है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे बैग को लेके कि कौन सा बैग अपन ले सकते हैं। बात करूँ तो एक्चुअली एक बैग का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, पर ट्रैकिंग बैग की बात करें तो मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रैकिंग बैग है जो कि मैं 2017 से यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो कि ये वाला है। बट इसमें एक तो अभी काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, मुझे अपग्रेड करना है, और दूसरा ये 80 लीटर्स का है। शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि 80 लीटर का होना चाहिए था कि लगेज सारा आ जाए, और दूसरा मैंने इसका देखा था इसमें रेन कवर साथ ही आता है जो इसके ऊपर डला हुआ पूरे बैग पे आ जाता है, और तीसरा मुझे जो इसका अच्छा लगा था वो लगा था इसकी पैडिंग अच्छी है। अभी थोड़ा सा डस्ट है तो डस्ट की वजह से थोड़ा गंदा हो गया है, तो पैडिंग इसकी अच्छी थी। और एक इसमें यहाँ पर पॉकेट भी है छोटी सी जिसमें ट्रैकिंग के दौरान कुछ कैश या कार्ड वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। देखो मैं दूसरा बैग क्यों देख रहा हूँ, इसका एक मेन रीज़न तो ये है कि काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, 2017 से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया था 2017 में, तब मैंने इसको बाय किया था, तब से अभी तक कर ही रहा हूँ, काफ़ी ट्रैक ये मेरे साथ कर चुका है। दूसरा ये कि इतना ट्रैवल और ट्रैक करने के बाद ना एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि अपन लगेज बहुत सारा लेके जाते हैं जबकि वो काम नहीं आता, और दूसरा जब अपन बैग के अंदर लगेज डालते हैं, कम लगेज ले जाना होता है, कम लगेज लेते भी हैं, बट जब बैग में डालते हैं तो बैग आधा खाली रह जाता है। अब वो आधा ऊपर से जो खाली दिखता है वो बड़ा ही भद्दा दिखता है, बहुत गंदा दिखता है, तो उसको कवर करने के लिए भी अपन और डाल देते हैं उसके अंदर, जबकि आज ज़्यादा इतना काम आता नहीं है। तो अभी मैं देख रहा था लगभग 40 से 45 लीटर के आसपास का एक बैग देख रहा था जो मैं ट्रैकिंग के दौरान साथ ले जाऊँ, मतलब तो ट्रैक करूँ ऊपर तब भी साथ ले जाऊँ। अदरवाइज ये वाला बैग मुझे ना वहाँ देना होता है, म्यूल पर जाता है ये, तो उसका चार्ज 1000 रुपये अलग से लग जाता है, और हर बार हर ट्रैक पर, क्योंकि इतना सारा लगेज लेके ऊपर चढ़ना पता है ना, कहीं के जगह पर मैंने ट्राई किया है बट इन मिडल देना पड़ा। तो अब मैं जो बैग देख रहा हूँ वो लगभग 40 से 45 लीटर के आसपास देख रहा हूँ, आपको भी रिकमेंड करता हूँ उसके आसपास ही आप बैग लेना, अदरवाइज़ क्या है कि भर जाएगा, सारा फालतू का सामान लेके जाना पड़ेगा जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी सर्च करता हूँ अमेजोन के ऊपर या कहीं और भी, तो अमेजोन तो मुझे मोस्टली एक ही बैग रिकमेंड करता है बार बार, वो आता है वाइल्ड क्राफ्ट का। तो वाइल्ड क्राफ्ट का बैग मैंने भी नहीं मंगाया, मेरे फ्रेंड ने मंगाया, तो मैंने जब कल उसके पास देखा तो उसमें से कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप डिसीजन ले पाओगे आपको ख़रीदना चाहिए वो या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो ये वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है जो कि लगभग प्राइस इसकी बात करें तो 2249 इतने रुपए का था, बट डिस्काउंट में ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे लगभग 1599 यानी कि 1600 रुपये में मिल जाएगा ये। तो सबसे पहले निकालते हैं इस बैग को बाहर। ये दिखने में इस तरीके का दिखता है, पूरा ऑरेंज, थोड़ा ऑरेंज एंड ग्रे कलर का ये कॉम्बिनेशन है कम्प्लीटली। ये 45 लीटर का है, हाँ ये यस 45 लीटर का है, जो प्राइस ये ले रहे हैं 1599 यानी कि 1600 रुपये जो प्राइस ले रहे हैं उसके हिसाब से क्वालिटी इसकी अच्छी है, जो अपने को साइज़ चाहिए उस साइज़ के हिसाब से बढ़िया है ये। तो पैडिंग की बात करें तो पैडिंग भी इसकी मुझे सही लग रही है, अच्छी है पैडिंग इसकी, यस कम्फर्टेबल रहेगी। इसका क्लिप एंड जो बाकी मेटल की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, और इसका चैन भी अगर बात करें तो चैन की क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी दी हुई है, तो बाकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्होंने, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अब इसमें अगर बात करें कि मुझे अच्छा क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगने में एक तो देखो जो ये इसका बेल्ट है, बेल्ट वाली जो इसके बिल्कुल इसमें पैडिंग है ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये एक थोड़ा सा जो रेट ले रहे हैं उस रेट में तो होना चाहिए था। और दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉपबैक लगा, इसके साथ में कोई भी रेन कवर नहीं आता, ये मुझे लगा इसके अंदर होगा बट इसके अंदर कोई रेन कवर नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा 200 से 250 रुपये का खर्चा आपका, तो 1600 रुपये ये और 200-250 वो, लगभग 1900 से 2000 रुपये का आपका बैठ जाएगा ये वाला बैग। इस प्राइस रेंज में तो मुझे ये वर्थ इट नहीं लग रहा है, एटलीस्ट इनको रेन कवर देना चाहिए था। पैडिंग का चलो ठीक है एक बार के लिए अपन मान ले, क्योंकि बेल्ट पैड अपन बहुत कम ही लगाते हैं, इसको बहुत रेयरली इसका यूज़ करते हैं, तो बाकी वाली पैडिंग भी अच्छी है, तो बट रेन कवर तो इसके साथ होना ही चाहिए था। अगर रेन कवर हम अलग से लेंगे तो फिर बजट बढ़ गया, और इस बजट में लगभग 2000 के आसपास का अगर बजट हम इसका लेके चलेंगे तो हमें और बढ़िया मिल जाएगा। तो जस्ट ब्रांड ही ख़रीदना है कि हाँ वाइल्ड क्राफ्ट का ही अपने को लेना है, या ठीक है कलर वाइज ही पसंद आ जाता है आपको तो अलग बात है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये? क्वालिटी वाइज मुझे अच्छा लगा बट प्राइस वाइज, अब बाकी डिसीजन देखो आपका आपके ऊपर है। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके अगर और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उनके सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है ना पीछे से, अभी तो सूरज अस्त हो गया, चलो बाय।